और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले मोदी ने कीव में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी कल रात पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से स्पेशल रेल फोर्स वन ट्रेन पर सवार होकर कीव के लिए निकले थे। करीब 7 घंटे की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी अब कीव दौरे पर है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है कि 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से नाटो देशों के अलावा किसी भी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था और आज मोदी यूक्रेन में हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में करीब 7 घंटे बिताने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव दौरे पर पहुंचे, यूक्रेन दौरे पर वहां पर मौजूद भारतीय कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त कीव में ही मौजूद है। विजय लक्ष्मी, आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, वहाँ की भारतीय समुदाय में भी अच्छी खासी उत्सुकता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पहले आप जानकारी दें, आज किन किन से उनकी मुलाकात होने वाली है, भारतीय समुदाय को वो कब तक संबोधित करेंगे? देखिए मीनाक्षी, कीव पहुंच गए हैं और 7:30 बजे वो जो है वो कीव में पहुंचे हैं। इसके बाद आते ही उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से यहाँ पर मुलाकात की और अब दिन में आज जो है उनकी मुलाकात यहाँ के राष्ट्रपति जो है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ भी हो सकती है। लगभग 10 घंटे का समय है जब प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। मोटा मोटी कार्यक्रम अभी तक यही है मीनाक्षी। प्रधानमंत्री पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया और काफी ऐतिहासिक इस विजिट को माना जा रहा है, क्योंकि जब से भारत के यूक्रेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं 1991 में, उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और ये यात्रा भी ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन रूस से युद्ध लड़ रहा है पिछले तकरीबन 2 सालों से। प्रधानमंत्री डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, उसी संदेश के साथ वो शायद यहाँ पर जब मुलाकात होगी उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तो यही जो अपना पर्सपेक्टिव है वो शेयर करेंगे। हर दौरे का एक मकसद होता है, शांति का एक वातावरण बने, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन जहां तक भारत और यूक्रेन के रिश्तों की बात है, इसे लेकर दोनों ही देश क्या आज कोई समझौता कर सकते हैं, कोई आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, अभी जो है आज दिन में, अभी क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर, कुछ कार्यक्रम उनके जरूर हैं, उसके अलावा मुलाकात जो है उनकी वो हो सकती है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से। मुलाकात के बाद ही कुछ कह पाना बहुत संभव हो पाएगा मीनाक्षी, कि किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मिलेंगे यहाँ के राष्ट्रपति से तो काफी मुद्दों पर बातचीत होगी, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि उसी पर्सपेक्टिव को वो शेयर करेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही रिजोल्व किया जा सकता है, वही पर्सपेक्टिव होगा। क्या बातचीत होती है उनकी यहाँ के राष्ट्रपति से, उसके बाद ही कह पाना बड़ा संभव होगा कि क्या इस विजिट से आउटकम पूरा निकल करके आता है। लेकिन पिछले ही महीने रूस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी जुलाई के महीने में, और अब अगस्त के महीने में यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। भारत की जहां तक बात है मीनाक्षी, दोनों देशों के साथ, चाहे फिर रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों देश जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, भारत के संबंध दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध भारत के हैं, दोनों ही देशों के साथ ट्रेड टाइज से लेकर के तमाम अलग तरह के टाइज हैं। और जहां तक युद्ध की बात है तो भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मुद्दे जो है हल किए जाने चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, भारत की नीति ही ये रही है कि भारत किसी को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता, वो विश्व बंधुत्व की बात करता है, शांति की बात करता है, लेकिन इंडिया फर्स्ट की नीति सबसे ऊपर रखता है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका पूरी जानकारी के लिए, आप दौरे पर नजर बनाए रखें।